पंजाब से, मेरा नाम अच्छू कुमार है और हम कल आए जो और आज हम पहलगाम के लिए निकले थे और रास्ते में हमें मालूम हुआ है कि ऊपर का रास्ता बारिश की वजह से यात्रा को रोक दिया गया है और आगे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छे इंतजाम है प्रशासन के द्वारा भी और आर्मी के द्वारा भी, बहुत अच्छे इंतजाम है। मैं समझ यही इंतजार है कि जल्दी से जल्दी जो यात्रा द्वारा चालू हुई है और बाबा जी के हम दर्शन करके हम सही हो। चारे श्री कृष्ण है, मैं वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से आया हूँ और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। यहाँ के देखा तो व्यवस्थाएं मुझे काफ़ी अच्छा बहुत अच्छी लगी क्योंकि हमारे लिए आर्मी इतनी पीछे बारिश हो रही थी उसमें भी खड़ी हुई थी और यहाँ आते ही भोजन की व्यवस्था, रूम की व्यवस्था और सबसे बड़ी इतने लोगों में इतनी सफाई होना सबसे बड़ी चीज़ मेरे को असंभव है, वो यहाँ पे संभव होता हुआ हमें दिख रहा है। दूसरा, यहाँ पर आर्मी के लोगों का जो व्यवहार है वो बहुत ही पॉलाइट है, इतना अच्छा लग रहा है कि मानो कि एक घर जैसा जो व्यवहार होता है वैसा यहाँ पे हम सब के साथ में है और किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और आज तक मेरे जीवन में मैंने काफ़ी सारे स्टेट की यात्राएं की हैं लेकिन इतना अच्छा सुगम और सुदृढ़ जो उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं ये मुझे नहीं लगता कहीं की होगी किसी ने आज तक, तो मैं बहुत खुश हूं और मैं हमारे जितने भी श्रद्धालुगण आ रहे हैं उन सबसे निवेदन करूंगा आप लोग आएँ और बाबा बर्फानी के दर्शन करके बिल्कुल ज़रूर जाएँ। उसके बाद एडमिशन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं काफ़ी हद तक ठीक हैं। देखिए लोगों को कह रहे हैं कि कंबल नहीं है, तो एक्चुअली क्या है लोगों के कंबल ऊपर रखे हुए हैं थर्ड पे ही, ये लोग कह रहे हैं कि कंबल नहीं है, प्रॉपर लोग देख नहीं पा रहे हैं। और सर आप जैसा नीचे देखेंगे लाखों लोगों की जो यहाँ पे यात्रा आती है, आज के टाइम पे आप 2000 लोग तो मानते हैं, 2000 लोगों को सर अब कहीं ना कहीं जब बाथरूम जाएगा तो 15 से 20 मिनट लगता है सर सही होने में, तो ये हम लोगों की गलती है क्योंकि हम लोग सच में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अगर हम कोऑपरेट करें, जहाँ तक देखिए सर मैं जिसमें रुका हुआ हूँ और 3-4 में घुमा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कहीं है नहीं, तो यहाँ पे सबसे अच्छी व्यवस्थाएं अभी दी जा रही हैं। मेरा नाम देव गोस्वामी है, मैं वृंदावन से आया हुआ हूँ। जम्मू से हमने सुबह यात्रा शुरू करी थी पहलगाम के थ्रू, हमें बाबा के दर्शन के लिए जाना था लेकिन मौसम सुबह इस तरीके से बिगड़ा कि आगे सुनने में आ रहा है कोई कह रहा है कि लैंडस्लाइड है, कोई कह रहा है कि ब्रिज टूटा, तो उस वजह से यात्रा को रोक दिया गया है और इसे यहाँ पे नीचे चांदनपुर करके जगह यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम आए, एक सडन वो था, यहाँ पे कोई वो नहीं था लेकिन उसके बावजूद हमें जब ऊपर से नीचे लाया जा रहा था तब डर लग रहा था कि यहाँ कैसी व्यवस्थाएँ होंगी क्या होंगी, लेकिन BSF के द्वारा, SSB के द्वारा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएँ हैं यहाँ पर, बहुत सारे चीज़ हमने किए हैं लेकिन यहाँ का जो मैनेजमेंट है इस सिचुएशन में भी इस तरीके के मैनेजमेंट को बनाना, इतने क्राउड को कंट्रोल करना सच में एक सराहनीय लाभ देने वाली बात है। हैप्पी विद द अरेंजमेंट। थोड़ी सी परेशानियाँ आ रही है क्योंकि देखिए एक बार में इकट्ठी इतनी भीड़ आ जाएगी तो थोड़ा सा क्योस क्रिएट होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी तरीके से किसी के साथ रूट नहीं है, हर किसी को सपोर्ट करने में लगे पड़े हैं, बस हमें कोऑपरेट करना है। शाम को उन्होंने बोला कि 6-7 बजे तक हर चीज़ मैनेज हो जाएगी, बस आगे निकलने की थोड़ी सी दिक्कत है, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कल आगे यात्रा शुरू होगी या नहीं होगी, ये सब बाबा कहना है। जय बोले।